السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ मैं जिस हेलेडिस मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे लैलतुल कदर के जो आखिरी 10 दिन होते हैं, वहाँ उस जब ऑड डेज होते हैं 5 दिन, वो ऐसा करते हैं शेख, उन दिनों रात को 8 रखत तरावी पढ़ाते हैं, और जो 3 रखत जो है अगले दिन के सुबह 3 बजे पढ़ते हैं शेख। बाद में जो है सहरी का इंतजाम किया जाता है उन ऑड डेज को, तो ये अमल साबित शुदा है? नहीं, ये अमल बिल्कुल भी साबित नहीं है। भाई का सवाल ये है शेख कि बहुत सारी मस्जिदों में जब आखिरी अशरा होता है रमजान का, तो 8 रकात तरावी तो ईशा के बाद पढ़ लेते हैं, बाकी जो 3 रकात वितर है उसको छोड़ के रखते हैं। अब वो जो है रात में आधी रात गुजरने के बाद या किसी टाइम फिर उसको पढ़ते हैं इकट्ठा होकर के। ये ना तो अल्लाह के नबी सल्लम का ये तरीका था, ना तो सहाबे कराम का तरीका ये था कि ईशा के बाद मुकम्मल नमाज पढ़ी जाए। ईशा के बाद मुकम्मल नमाज पढ़ना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ये सहाबे कराम का तरीका था, ठीक है। तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांट करके पढ़ना ये तरीका नहीं था, ये एक मसला। दूसरा मसला यहां पर और अहम है, उसको भी सुने कि क़यामुल लैल जो है, क़यामुल लैल की नमाज का जो वक्त है वो ईशा की नमाज खत्म होने के बाद से लेकर के फजर की अजान तक है जी। क़यामुल लैल का वक्त है ईशा की नमाज खत्म होने से लेकर के फजर की अजान होने तक, यहां ये इसके दरमियान क़यामुल लैल आप कर सकते हैं। तो जब इसके दरमियान आप क़यामुल लैल कर सकते हैं तो इसके दरमियान आप तरावी भी पढ़ सकते हैं, तरावी भी क़यामुल लैल ही है जी। लेकिन हम ये देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। रमजान के अलावा अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर से ईशा के फौरन बाद क़यामुल लैल नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान के अलावा महीनों में क़यामुल लैल देर रात में करते थे, लेकिन रमजान के महीने में जब आपने सहाबे कराम को 3 दिन तक नमाज पढ़ाई तो ईशा के बाद पढ़ाया। इसी तरह से सहाबे कराम भी रमजान के अलावा अय्याम में क़यामुल लैल देर रात में करते थे, लेकिन रमजान में क़यामुल लैल यानी तरावी की नमाज ईशा के बाद पढ़ते थे। इसकी वजह क्या है, इसकी हिकमत पर अगर आप गौर करेंगे तो इसकी एक बड़ी हिकमत यह समझ में आती है कि क़यामुल लैल जो रमजान के अलावा अय्याम में हम करते हैं वो तन्हा पढ़ते हैं, और जब आदमी तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो जब मर्जी कहे तब पढ़े, जब उसको आसानी हो तब पढ़े। लेकिन जब आप रमजान के महीने में क़यामुल लैल जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो यहां पर इस बात की रियायत करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जमात से फायदा कब उठा सकते हैं। जब आप ईशा के बाद फौरन पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शरीक होंगे, और ये बात मुलाहज है, सारे लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जहां पे क़यामुल लैल की नमाज आधी रात के बाद होती है वहां पे नमाजियों की तादाद कम होती है। तो आप ईशा के बाद पढ़ें, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यही सहाबे कराम का तरीका है, और इसी में आम मुसलमानों का फायदा है। हाँ, आप तन्हा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जब पढ़ना चाहें तब पढ़ें, क्योंकि उसका वक्त फजर तक है। तो शेख अगर मैं अब जो मस्जिद में वो पढ़ाते हैं तो मैं उसी को फॉलो करने से मुझे वो पूरे वो जो हदीस है कि जब इमाम को फॉलो कर करके तो पूरी रात का अजर मिलेगा, उसे वो मिलेगा जी। देखिए, पहले नंबर पे तो आप उस मस्जिद वालों को समझाइए, अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो आप उनको स्ट्रीम में लाइए, हम उनसे बात करते हैं। अगर वो मान जाएं कि पूरी नमाज एक साथ पढ़ें तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनके साथ ईशा के बाद जो नमाज पढ़ते हैं वो मुकम्मल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जब इमाम ने अपनी नमाज खत्म कर लिया और इमाम लौट गया तो गोया कि आपने उस हदीस पर अमल कर लिया, मन कामा माल इमाम हत्ता यंसरिफ, आप इमाम के साथ का साथ आपने उस वक्त तक दिया जब तक उसने नमाज खत्म नहीं कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपको वो अजर मिलेगा। अब जहां पे वो सुन्नत की मुखालफत कर रहा है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं,